सिरोही नेशनल हाईवे पर कार पलटी है, गुजरात से जोधपुर की तरफ जाते वक्त हादसा हुआ है। सिरोही नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर पलटी कार, हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कोतवाली थाने के सिरोही नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर कार पलटी है, हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली थाने के सारणेश्वर जी हाईवे की घटना, गुजरात से जोधपुर की तरफ जाते वक्त हुआ हादसा। सिरोही नेशनल हाईवे पर बेकाबू होकर कार पलटी, हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत। गुजरात से जोधपुर की तरफ जा रही थी कार। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, एक कार पलटने की सूचना आ रही है जिसमें 5 लोगों की मौत की भी खबर है, कहां और कैसे ये हादसा हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोतवाली थाना क्षेत्र है जहां पर सारणेश्वर जी के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जहां पर जो इस हादसे के अंदर जो है वो 5 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें से 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष है। इन दोनों की मौत है हो गई है। साथ ही घटना के बाद जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी मौके पर पहुंची है, साथ ही जिस प्रकार से हम कह सकते हैं एसपी भी मौके पहुंचे हुए हैं, घटना की जानकारी ली है। एक जो महिला है वो जिंदा बची है, उसका अभी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो हादसा है वो टायर फटने के कारण से ये हादसा घटित हुआ है, तो कह सकते हैं कि ये दर्दनाक हादसा है। ये लोग फलोदी के पास के बताए जा रहे थे और वहां गुजरात से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी ये हादसा घटित हुआ है, जहां पर जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि आगे वाला जो टायर है वो फट गया था और फटने के कारण से वो डिवाइडर फांद कर वो इस तरफ आ गई और दूसरी तरफ आने के बाद ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जो है 5 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जो 5 है वो सब हैं वो अस्पताल में रख पाए हुए हैं अभी, और परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। जिला कलेक्टर ने मौके पर जाके मौका मुआयना किया है, जानकारी जुटाई है, तो कह सकते हैं कि ये बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आपका तमाम जानकारी के लिए।